हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किट्टो ब्लॉग्स के नए ब्लॉग में। तो सारे लोग चले गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। और हमारी तबीयत पता नहीं क्यों कल से सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा घर जैसे पहले की तरह घर लग ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे सारा सेटअप बिगड़ा हुआ है, तो मैं इसको सही कर देती हूँ। कितना भी सही करती हूँ पता नहीं कैसे, छोटे से बच्चे भी नहीं हैं तो भी पता नहीं कैसे हो जा रहा है। घर सही कर देते हैं। बाबू जब से आया है ना, ऐसे लगता ही नहीं कि घर घर है। यहाँ पे तक क्या रखो बताओ, इसको मैं सही जगह कर देती हूँ। और ये घर थोड़ा सुरक्षित रहता है, सही रहता है तो देखने में भी अच्छा लगता है। बाकी मुझे तो फैला बिल्कुल नहीं पसंद है। और हमारे ना ये इतना ज़्यादा पेन है कि मैं सुबह से ज़्यादा किसी से बात भी नहीं की, और अभी तक मैंने ब्लॉग भी नहीं शूट किया था। तो मैं सोचा चलो यार थोड़ा बहुत शूट कर लेते हैं, क्या करें। मंदिर में दिया जलाना है तो अभी मैं दीप मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर रही हूँ। चलते हैं, मम्मी से बोल देते हैं। देखो यही सब नहीं अच्छा लगता है, कुछ भी कहीं भी रखा जाता है। तो इसको मैं हटा देती हूँ, ये मंदिर में ही रखा जाएगा डब्बा खाली जो है। हे भोलेनाथ बाबा कल्याण करो। तो वहाँ का लाइट जल रहा है तो मैं यहाँ का लाइट बंद कर देती हूँ, थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ। तो गाइस आप लोगों को पता है होली आने वाला है, और होली आने के बाद सब लोग के घर में गुजिया वगैरह सब कुछ बन रहा होगा। मुझे तो हिम्मत नहीं बनाने कि हम गुजिया वगैरह बना के कुछ खा पी ले। वैसे भी मैदा चीज़ से दूर रहना है, और मेरा वेट मतलब मम्मी कह रही है खाओ नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगा, लेकिन मेरे से ना खाया ही नहीं जा रहा है। अगर मैं खाऊंगी तो फिर मुझे ऐसा लगा कि भैया कोई दरवाज़ा खटखटाया है, मतलब ऐसे ही लाया है। खाऊंगी तो फिर मेरा फैट बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा मुझे। तो वहाँ पे मम्मी चाय रख दी है, तो चाय रख दी है तो मैं बोली चलो थोड़ा सा मैं ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तबीयत अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे भी गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाना है, ज्वेलरी का, कपड़े का, चांदी का, सोने का, जिसने जो जो दिया है तो आप लोग सबको ज़रूर दिखाएंगे, शेयर करेंगे। जब जब कोशिश करने जब जब कुछ सोच रही हूँ करने के लिए तो उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। तो इधर मैं लाइट बंद कर देती हूँ, चलती हूँ, इसको उधर डाल देती हूँ सूखने के लिए, सूख जाएगा। और उनका तो अड्डा बन गया है ये कपड़ा सूखने का, इसको ऐसे डाल देते हैं। तो चले गए, कुछ देर में मिलते हैं, दिखाते हैं, देखते हैं किचन में कब से हम काम करते हैं। मैं तो बोली कि मेरे को किचन छुड़ा दो, मैं किचन का काम कर लूँगी, मम्मी बाबू को संभाल लेंगे। क्योंकि अब मुझे किचन में, क्योंकि मैंने तब पर भी ये ऊपर ऊपर का सारा सफाई वगैरह कर दिया है, जो इधर उधर रहता है मैं सब सफाई करके रख देती हूँ। मुझे किसी के मन का मानता ही नहीं है। अभी मुझे ये साफ़ करना है, सारा तेल निकाल के साफ़ करना है। तो जल्द से जल्द मैं भी किचन का भी काम प्रोग्राम स्टार्ट कर दूँ। तो दूध में बंद कर दूँ क्या? दूध तो बंद ही कर सकते हैं। चलिए गाइस ब्लॉग में बनी रहिए, कुछ देर में मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस चाय वगैरह पी लिया है, और यहाँ पे मम्मी मेथी ले रही है, पर मेथी पतिदेव देख के नहीं लाते, पता नहीं कैसा लाते थे। लेकिन जब तक ठंडी था तब तक बहुत ही अच्छा लाते थे, मतलब अच्छा मिल जाता था। सुबह शाम को ही फ्रेश फ्रेश मिलता है एकदम। थोड़ी पीली पन आ गई। और गाइस मैं सोच रही थी इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाती अपना गिफ्ट अनबॉक्सिंग, लेकिन इतना सारा गिफ्ट भी है इसके अंदर है तो मजबूर हूँ कि इसको मैं उठा नहीं सकती, क्योंकि वजन चीज उठाने के लिए डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो यहाँ की मैं लाइटें बंद कर देती हूँ पहले, एकदम शांति शांति से हमारा घर हो गया। तो पहले एक लाइट तो जला ही देते हैं, और यहाँ पे दिन काटना मुझसे, बाबू जागता रहता है तो दिन ऐसे बीत जाते हैं, और जब जाग सोया रहता है तो फिर टीवी चालू करके इतना दिन काटते हैं, और क्या करें। तो मम्मी मेथी नेर लेती हैं, फिर कोशिश करते हैं कि
इसमें से सामान थोड़ा बहुत निकालें। ये भगवान क्या हो जा रहा है। तो गाइज यहाँ पे मैं मूवी देख रही हूँ, कौन सा यार नहीं आ रहा है, मैं ही देख। कौन सा पिक्चर था मम्मी? घर घर की इज्जत, घर की इज्जत। अच्छा वो देखो तेल जला के मरने जा रहे हैं गाइज, दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखो ये थोड़ा सा मुझे ना स्वर्ग की तरह लग रहा था, लेकिन उसकी तरह नहीं, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे हमारा लल्ला, अरे बाप रे, लल्ला सो रहे हैं। इनको मैं उठा रही हूँ कि दूध पीने के लिए उठ जाइए, ये उठ नहीं रहे। उठिए लल्ला, आवाज़ सुने गाइज आप लोग? ये ऐसे ही रहते उठ गए नोजी आ रही है, नोजी आ रही है, गुद्दी गुद्दी नोजी आ रही है। आज ये ऐसा मतलब मम्मी इनको ढिकार दिला रही थी, ऐसा पोटी किए थे कि पूरे कपड़े में लग गए थे पूरा ढेर सारा। तो आज मेथी की सब्जी बनेगी। और ये भगवान कौन सा पिक्चर है, ये भूल ही गए हम। अच्छा मम्मी बताई घर की इज्जत है ना। तो अभी तक पतिदेव नहीं आए हैं, तो उनके सब लोग चाय पी लिए, उनके लिए चाय रखा हुआ है। और सामान भी नहीं निकाल सकते हैं, वंदादी करी है कम से कम। अब तो अनबॉक्सिंग का वीडियो भी जस्ट उनका आया था, कॉल किए तो फिर उसके बाद उनका कॉल, मतलब कि उनका कॉल आया था। मैं बोली यार कैसे मैं करूँ अभी, तो ये बेड इतना वजन, मतलब कि जो गद्दे इतना वजन है, मैं कैसे करूँ, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो ये आएंगे तब करेंगे। मम्मी चली गई किचन बनाने के लिए। गए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना जब इंसान फुर्तीला रहता है, एकदम फॉरवर्ड चल पाता है, अच्छे से कर पाता है, एक्टिव रहता है, तो ब्लॉग भी शूट करने। और मैं कमेंट अभी पढ़ रही थी, इतना घटिया कमेंट आया था, ऐसा कमेंट बाप रे, मैं कभी ज़िंदगी में सपने में नहीं सोच सकती। एक बार नहीं, मैंने इसके पहले भी, मैं जल्दी कमेंट तो पढ़ती नहीं। अभी यार छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे को लेकर के आप लोग इतना घटिया कमेंट कैसे कर सकते हैं, जुबान पे भी ला नहीं सकते हैं। पर कोई नहीं, सब भगवान है, भगवान देखता है। और ये हर एक माँ के लिए, अपने बच्चे हर माँ के लिए क्या कि अगर जो ये वर्ड सुनेगा ना कि ऐसा घटिया कमेंट मेरे बाबू के लिए आया, यार वो तो कुछ जानता नहीं है, कुछ किया नहीं है ऐसा वैसा, तुम ऐसा इतना बेकार कमेंट ऐसे कैसे कर सकते हो। हाँ इंसान हो कि जानवर, जानवर भी नहीं हो। बट ऐसा कमेंट है, उस पर कमेंट पे रिप्लाई भी आया, यार ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, एक औरत हो करके बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो कि कुछ भी बोल देते हैं, अरे फ्रिज दिखा दिए, फ्रिज का चेहरा क्यों दिखाई, फ्रिज को भी ढक के रखती रहती, अरे मेरा मन है, मेरा मन क्या, सबका मन है कि हाँ बाबू का फेस रिवील करें, लेकिन जब जब दिखाने की कोशिश की, बाबू का तबीयत ख़राब हो जा रहा था ना इसलिए नहीं दिखाया ना। पर आप लोग इसके लिए इतना बेकार की फ्रिज क्यों दिखा दिए, तुम ही एक फ्रिज नहीं ली हो, तुम ही एक माँ नहीं बनी हो। अरे हम पहली बार माँ बने भैया, तो पहली बार ही अपना जताएंगे हर चीज़, और पहली बार इतना महंगा फ्रिज खरीदे, तो पहली बार हम, मेरे इतना छोटी छोटी चीज़ों में हमको खुशियाँ मिलती हैं, तो जिसको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो मुझे इग्नोर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर आएगा अमित अंकिता जयसवाल के यूट्यूब चैनल पे, गिफ्ट अनबॉक्सिंग का ब्लॉग। और प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करिए क्योंकि लोगों को दुख ना पहुँचे। ठीक है, तो ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, ज़्यादा कुछ बोल दिए होंगे तो ये भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा बोलने लगी है, बहुत ऐड की बोलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें कमेंट आ रहे हैं हमको, तो हम ज़्यादा पढ़ते तो नहीं, जब जब हमको थोड़ा सा लगता है बोरिंग सा दिन होता है तो फिर मन करता है पढ़ने का, तो पढ़ लेते हैं। तो गाइस ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे भी नहीं, वीडियो हमारी यहीं तक है। वीडियो पसंद आगे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। मेरा सारा ब्लॉग बेड पर बैठे हुए इधर उधर चल निकल जा रहा है, क्योंकि अभी मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रही अभी जिससे कि मैं आप लोग को दिखाऊँ और कुछ अच्छा चीज़ दिखा सकूँ। बस मैं सोच रही जल्दी से मैं सही हो जाऊँ, क्योंकि मेरे टाँकों में तीन दिन से, दो दिन से तो हल्का हल्का पेन था, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन बॉडी में है। तो मैंने इनको कॉल करके बोल दिया कि एक पेन किलर लाइएगा, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है। बाय बाय।